कांग्रेस ने अपने फंडे में इतने गोलमाल किए हैं कि अब उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। सही मायने में कांग्रेस दिवालिया होने की कगार पर है, लेकिन बड़ी बात ये कि दिवालिया हो जाने भर से आयकर विभाग की वसूली पूरी होती नहीं दिख रही, क्योंकि आयकर विभाग पार्टी से उसकी लगभग 1,430 करोड़ रुपए कुल संपत्ति की तुलना में लगभग दोगुना करीब 2,500 करोड़ धनराशि बतौर टैक्स बकाए के तौर पर भुगतान करने को कह सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस को आयकर मामले में विभिन्न न्यायिक निकायों से किसी भी प्रकार का स्टे नहीं मिल पाया है। सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग ने अदालतों में विस्तृत और पुष्ट सबूत पेश किए। सबूत में कहा गया है कि पार्टी को 2013 और 2019 के बीच 626 करोड़ रुपए कैश प्राप्त हुआ। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की ओर से आईटी की कुल मांग 2500 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच सकती है। सूत्रों ने कहा कि यह अप्रैल 2019 में आयकर छापों का परिणाम है, जिसमें कांग्रेस द्वारा मेघा इंजीनियरिंग और एक कंपनी से नकद प्राप्तियां दिखाई गईं, जो कमलनाथ के सहयोगियों की करीबी बताई जाती हैं। सूत्रों ने बताया कि कई वर्षों 2013 से 14 और अप्रैल 2019 में कांग्रेस को कैश में 626 करोड़ रुपए मिले। सूत्रों ने कहा, जबकि मेघा इंजीनियरिंग से नकद प्राप्तियां दी गए ठेकों के लिए थीं, कमलनाथ के सहयोगियों से प्राप्त नकदी मध्य प्रदेश में चलाए गए एक बड़े कथित भ्रष्टाचार घोटाले से थी, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, मंत्रियों, व्यापारियों आदि सहित कई लोगों से रिश्वत की वसूली की शामिल थी। इन नकद रसीदों की पुष्टि कई तरीकों से की गई है, जैसे तलाशी के दौरान मिले दस्तावेज, व्हाट्सएप संदेश और दर्ज किए गए बयान। साक्ष्य में कमलनाथ के आधिकारिक आवास से कांग्रेस कार्यालय तक 20 करोड़ रुपए के विशिष्ट भुगतान का उल्लेख है। ये वही मामला है जिसकी चर्चा कर पीएम मोदी के 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ और राहुल गांधी पर तंज किया था। जाहिर है कि अब ये मामला पूरी तरह से खुलकर सामने आया है, तो कमलनाथ और राहुल गांधी दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। 31 मार्च से पहले शेष मांग नोटिस की तामील के बाद कांग्रेस से वसूली किए जाने वाली कुल राशि 2500 करोड़ रुपए के पार कर सकती है। ये कांग्रेस के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि पार्टी की कुल संपत्ति लगभग 1430 करोड़ रुपए है। बकाए टैक्स की देनदारी 2500 करोड़ रुपए है। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अपने नवीनतम आईटी रिटर्न में कांग्रेस ने कहा था कि उसके पास लगभग 657 करोड़ रुपए का कोष, 340 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति और 388 करोड़ रुपए की नकदी और नकद समकक्ष है। कुल मिलाकर लगभग 1430 करोड़ रुपए, मतलब कि कांग्रेस दिवालिया होने के बाद भी 2500 करोड़ रुपए की इतनी रकम नहीं चुका पाएगी, क्योंकि ये रकम उसकी नेटवर्थ से कहीं ज्यादा है। आईटी विभाग वसूली पर रोक लगाने की मांग गई राशि का 20% भुगतान करने का विकल्प देता है। कांग्रेस पार्टी को 7 साल के रिटर्न के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। इस सप्ताह की शुरुआत में उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि यही कारण है कि कांग्रेस ने पिछले हफ्ते सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि उन्हें इन 7 वर्षों के लिए भारी मांग नोटिस की आशंका थी। आईटी विभाग के कदमों को रोकने के लिए कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।